समाहरणालय तो आप लोग बहुत देखे होंगे, लेकिन ग्रहों का समाहरणालय शायद ही आप लोग देखे होंगे। क्या राहुल, अभी बच्चियाँ होंगी। जी जी बिल्कुल, उनको आर के सी एम स्कूल ऑफ एक्सलेंस गर्ल्स गढ़वा के बारे में। हमारा गढ़वा में इतना ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है कि इस भीड़ के बारे में आपको कुछ भी नहीं बोल सकता, शब्दों में नहीं बता। देखिए समाहरणालय तो आप लोग बाहर से और अंदर से बहुत ज़्यादा देखे होंगे, लेकिन समाहरणालय का व्यू मैं आपको टॉप से दिखाता हूँ, टॉप व्यू। और समाहरणालय और गढ़वा का ये सभी ऑफिसर से कि ऐसी कार जल्दी जल्दी होते रहे। खैर मैं भी शामिल होऊंगा और जिस दिन शामिल होऊंगा उस दिन भी मैं आपको बताऊंगा, काफ़ी मज़ा आएगा। समाहरणालय का लुक देख सकते हैं, काफ़ी प्यारा लग रहा है समाहरणालय गढ़वा। इसके अंदर जाएंगे तो मतलब कुछ स्पेशल मिलेगा, बल्कि कुछ खास नहीं है, सीढ़ी यहाँ पे है। फर्स्ट टाइम मेरे को लगा इमरजेंसी एग्जिट में कि यार इसके अंदर जाऊँगा डायरेक्टली नीचे चला जाऊँगा। इसीलिए तो अभी हम लोग जो है वो विवाह में गए तो वो बोले कि इलेक्शन बाद आइए ना बाबू, काम हो जाएगा आपका। होटल का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, इसके लिए माफ़ी मतलब चाहेगा आपके लिए समाहरणालय, मैं माफ़ी क्यों चाहूँ। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग विद मिस्टर राहुल सर। एज यू नो हिंदी का अध्यापक, ये कुछ दिखाना चाह रहे हैं, दिखाइए आप क्या दिखाना चाह रहे हैं। तो काफ़ी खुशी का बात है कि फिर से जो है हम लोग नया ब्लॉग के साथ आ चुके हैं, मी एंड राहुल सर। अब इस ब्लॉग में कार्य क्या होने वाला है ये मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। पहला नंबर की ये भागवा पे आप मतलब जाइएगा, क्योंकि देखिए भागवा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए इस गर्मी का मौसम में। अगर आप भगवा के साथ नहीं निकलेंगे तो आपको बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और आप यहाँ भी देख सकते हैं राहुल सर भगवा प्लस हेलमेट दोनों का इस्तेमाल किए हुए हैं, ताकि इनको कोई दिक्कत ना हो, और दिक्कत नहीं होना चाहिए ज़िंदगी में इनका, क्योंकि अगर इनको दिक्कत हो गया तो फिर आगे समस्या आ सकता है। इसके जो है ना भगवा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अभी के मौसम में। कचहरी में कचहरी के पास जो समाहरणालय था वो जो है शिफ्ट हो चुका है नया समाहरणालय में, तो वहाँ नया वाला समाहरणालय में चलेंगे और देखेंगे किस प्रकार से बिल्डिंग है। यार काफ़ी अच्छा बिल्डिंग बनाया गया है, मैंने आपको एक ब्लॉग में दिखाया भी था लेकिन अंदर से नहीं दिखाया था, तो आज जो है आपको इस वीडियो में अंदर से देखने मिल जाएगा, तो काफ़ी मज़ा आएगा। बाकी आगे आप लोग देख सकते हैं पुलिस कंट्रोल रूम का गाड़ी भी जा रही है, जो कि देखते रहते कि कौन आदमी सुरक्षा में है कौन आदमी सुरक्षा नहीं है, उसको ठीक करना इनका काम है। तो गाइस यार अभी फ़िलहाल जो है हम लोग कचहरी पर पहुँच चुके हैं, और जो पुराना वाला समाहरणालय का मुख्य द्वार था वो ज़्यादा दूर नहीं बल्कि इससे थोड़ा सा आगे है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा पुराना समाहरणालय का मुख्य द्वार है, और ये मुख्य द्वार को देखते हुए बेहद हमें खुशी हो रहा है कि यहाँ से जो है समाहरणालय शिफ्ट होकर नया वाला बिल्डिंग में चला गया है, तो वहाँ का हम लोग नज़ारा भी देख लेंगे और काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलिए आगे फ़िलहाल बढ़ते जाते हैं। राहुल जी अपना बाइक का स्पीड मेंटेन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल जो है गाड़ी का स्पीड आपको मैं दिखाना चाहूँगा, जो करंट स्पीड आपको देखने मिल रहा है गाड़ी का वो अभी फ़िलहाल जीरो पे चल रहा है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाड़ी का स्पीड एक दो भी हुआ तो कितना स्पीड से जाएगा गाड़ी, लेकिन फ़िलहाल जो है इसका करेंटली स्पीड जो है जीरो ही है। ये जीरो मार के आपको चलना ही पड़ेगा क्योंकि आपको सामने दिखाई दे रहा है जी। तो गाइस अगर आप गढ़वा से बिलोंग करते हैं तो एक नया कोचिंग खुल चुका है जिसका नाम है सेकेंड स्कूल सेकेंड क्लास, जो भी बोलिए एक ही है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा और इसका एड्रेस भी बताना चाहूँगा। तो फिलहाल जो बिल्डिंग है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेकेंड स्कूल नाम से ये कोचिंग खुला हुआ है, जो कि काफ़ी प्यारा तरह से इसको डिज़ाइन किया जा रहा है, काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा है यार, शीशा वगैरह लगाया जा रहा है, लेकिन देखते हैं इसमें मतलब किस प्रकार से पढ़ाई वगैरह चलता है। वैसे तो राहुल सर जाके इसका टेस्ट करेंगे। तो ये बेसिकली एक कोचिंग सेंटर है जहाँ पे IIT JEE नीट्स का तैयारी कराया जाएगा, जो कि बहुत ही खुशी का बात है, क्लासमेट का बात है। ऐसा नहीं सोचिए कि गर्ल्स हाई का कॉलेज है और बॉयज़ क्यों जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि इसमें बॉयज़ भी जा सकते हैं। मतलब बॉयज़ भी जाके कार्य करा सकते हैं। और यहाँ पर हमारा गढ़वा का न्यू फुटबॉल ग्राउंड। तो गाइज फाइनली जो है राहुल सर अपना कार्य करा लिए हैं ये RKCM स्कूल ऑफ एक्सलेंस गर्ल्स स्कूल में जाके, तो काफ़ी खुशी की बात है। और ये CM स्कूल के बारे में राहुल सर हमारे बताएंगे कि क्या है, सर आप बताइए इसके बारे में। ये CM स्कूल जो है, थोड़ा आप जोर बोलिए ताकि ऑडियंस को सुनाई दे, आप इतना मतलब स्लोली ना बोले, फिर आप पास आ जाए। जो RKCM ऑफ गर्ल्स हाई स्कूल जो है, अच्छा, ये बेसिकली झारखंड सरकार के जो CM है उनके तरफ से ये एक योजना बना था, जिसमें गरीब परिवार के जो भी बच्चियाँ होंगी, जी जी बिल्कुल, उनको जो है मुफ्त में शिक्षा जो प्रदान करना है और बेहतर क्वालिटी का शिक्षा मिलेगा यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि
यहाँ के टीचर्स जो हैं वो वेल होंगे पूरा क्वालिफाइड। और क्या बोलते हैं कि अब की बार पहले क्या था कि गर्ल्स हाई स्कूल के नाम से जाना जाता था तो उसमें हिंदी मीडियम का था, लेकिन अब की बार से सब इंग्लिश माध्यम से कर दिया गया है। जैसे जनरली आपको मिलेगा देखने के लिए कि प्राइवेट कॉलेज स्कूल में मिलता है, तो मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं कि प्राइवेट वाली सारी सुविधाएं आपको सरकारी में मिलेंगी, वो भी मुफ्त में, तो इससे बेहतर कोई थोड़े हो सकता है। तो यही था, आपको जो है जानकारी बिल्कुल मिल गया होगा ये CM RKCM स्कूल ऑफ एक्सलेंस गर्ल्स गढ़वा के बारे में। तो काफ़ी अच्छा सुविधा दिया जा रहा है मुख्यमंत्री के द्वारा, तो काफ़ी अच्छा बात है। हमारे ऑनरेबल मुख्यमंत्री जी को काफ़ी बहुत बहुत धन्यवाद। तो राहुल जी पूरा एक्सप्लेन करके बता दिए हैं, मतलब काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको पढ़ाई लिखाई के लिए सुविधा दिया जाएगा। जैसे प्राइवेट स्कूल में आपको सुविधा दिया जाता है सिमिलरली उसी प्रकार से यहाँ भी आपको अच्छा सुविधा दिया जाएगा, और वेल ट्रेंड टीचर वगैरह रहेंगे। अच्छा, जैसे कि आपको जो है राहुल सर बताए, तो फिलहाल तो यहाँ पे कार्य हमारा हो चुका है, अब चलते हैं यहाँ से समाहर नाले में, काफ़ी मज़ा आएगा। तो ये रहा हमारा समाहर नाले का बिल्डिंग, चलिए घुसते हैं डायरेक्टली इसी के अंदर। तो राहुल जी के साथ गढ़वा समाहर नाले में आ चुके हैं और देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत नज़ारा यहाँ पे लग रहा है समाहर नाले का। तो इतना खूबसूरत नज़ारा गढ़वा में आप शायद ही देखे होंगे। तो गाइज यार चलते हैं समाहर नाले के अंदर। अभी मेरा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि आप लोग मेरा चेहरा देख के क्या करिएगा, देखना ही है। तो आप लोग समाहर नाले का बिल्डिंग देखिए, काफ़ी मतलब खूबसूरत लग रहा है, और राहुल जी मेरे को समाहर नाले के अंदर लेके चल रहे हैं। काफ़ी खुशी का बात है हमारे लिए कि काफ़ी अच्छा समाहर नाले बनाया गया है गढ़वा में, और काफ़ी अच्छा हरियाली भी छाया हुआ है, क्योंकि जो है हमारे सेहत के लिए हरियाली मतलब काफ़ी लाभदायक होता है। क्या राहुल जी, मैं सही बोल रहा हूँ ना? एक नंबर की बात है। आप भी कुछ बोलना चाहेंगे इस समाहर नाले के बारे में, इसका स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे राहुल सर? आप खतरनाक है। अब वो समाहर नाले तो आप लोग बहुत देखे होंगे, लेकिन गढ़वा का समाहर नाले शायद ही आप लोग देखे होंगे। क्या राहुल सर, फाइनली जो समाहर नाले के अंदर तो आ चुके हैं, राहुल सर भी आ चुके हैं यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ से अगर मैं आपको नीचे का नज़ारा दिखाऊँ तो काफ़ी खूबसूरत मतलब काफ़ी प्यारा नज़ारा आपको देखने मिल रहा है, देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत। इस साइड में देखिए आपके लिए लिफ्ट का भी व्यवस्था कराया गया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं लोग आते जाते रहते हैं इस साइड में, काफ़ी अच्छा व्यवस्था किया गया है। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के लिए भी यहाँ पे वो लगा दिया गया पोस्टर, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। और यहाँ पे एक इतना अच्छा बात है कि हमारे लिए पेयजल का भी सुविधा उपलब्ध है, जैसे कि अभी राहुल सर आपको पानी पीते हुए दिखेंगे। आइए सर पानी पीजिए आप, तो काफ़ी अच्छा बात है। और आप बिल्कुल आपको ठंडा पानी यहाँ पे मिलेगा, जो ये काफ़ी खुशी का बात है हमारे लिए, काफ़ी ज़्यादा क्लासमेट का बात है। लेकिन बोतल का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, इसके लिए माफ़ी मतलब चाहेगा आपके लिए समाहर नाले, मैं माफ़ी क्यों चाहूँ। टेंट भी लगाया गया यहाँ पे, जो कि काफ़ी अच्छा बात है हमारे लिए। बाकी राहुल सर आपको पानी पी के दिखाई दें, काफ़ी ये हमारे खुशी के लिए बात है। बाकी इस साइड में आप लोग देख सकते हैं नज़ारा, जो सबसे दूरी दिखता है गुंबद देखा हुआ। और जैसे हम लोग बाहर से जो समाहर नाले को देखते हैं टॉप व्यू, वो टॉप व्यू किस प्रकार से अंदर से दिखता है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये है समाहर नाले का टॉप व्यू, जो कि काफ़ी मतलब क्या ही मैं आपको इसके बारे में बताऊँ। बाकी यहाँ से अगर मैं आपको नीचे का नज़ारा दिखाऊँ तो नीचे का भी नज़ारा काफ़ी मतलब बेहद सुंदर लग रहा है, बेहद सुंदर। यहाँ पे आपको इमरजेंसी एग्जिट मिल जाता है, इन केस ऑफ फायर आप यहाँ से इमरजेंसी एग्जिट कर सकते हैं। ये तो फायर के लिए, अगर आप आग वगैरह लगते हैं तो आप इसको प्रेस कर लीजिए तो आग जो है बुझाने का कार्य करेगा। आई एम नॉट श्योर कि क्या है, बाकी इमरजेंसी एग्जिट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि आप इसके अंदर जाएंगे तो मतलब कुछ स्पेशल मिलेगा, बल्कि कुछ खास नहीं है, सीधे यहाँ पे है। फर्स्ट टाइम मेरे को लगा इमरजेंसी एग्जिट में कि यार इसके अंदर जाऊँगा डायरेक्टली नीचे चला जाऊँगा, इसीलिए इमरजेंसी एग्जिट बनाया गया। बाकी यार चलते हैं आगे, मैं आपको अंदर का नज़ारा और दिखाता हूँ। बाहर का नज़ारा तो मैं आपको बहुत दिखाया, देखिए आप अंदर का भी नज़ारा देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पर लगाया गया। जैसे यहाँ पे प्रभारी विकास शाखा का ये रूम हो गया, मतलब अलग अलग प्रकार का 414 रूम यहाँ हो गया, मतलब काफ़ी ज़्यादा रूम यहाँ पे बनाया गया, 600 प्लस रूम है। बाकी इधर खेल विभाग का हो गया, जिला खेल पदाधिकारी विभाग का हो गया, तो अलग अलग विभाग के यहाँ पे रूम आपको मिल जाता है इस साइड में, तो काफ़ी खुशी की बात है हमारे लिए। तो वैसे तो बहुत जगह मैंने आपको घुमाया विथ राहुल सर अभी मतलब वो विभाग खोजते रह गए हैं, मतलब बाइक वाला विभाग की लाइसेंस वाला विभाग कहाँ पर शिफ्ट किया गया है, लेकिन अभी तक वो विभाग मिला नहीं है। हम लोग जो है ऊपर से विभाग को खोजना स्टार्ट किए हैं। बाकी आप लोग समाहर नाले का व्यू देख ही रहे हैं, और यहाँ पे लोकसभा आम निर्वाचन 2024 मतदान का तिथि 13 मई है, इसमें आप जो है भाग लेना बिल्कुल ना भूलें, अगर आपका एज 18 प्लस हो चुका है तो। काफ़ी
अच्छा बात है यार, मैं भी इसमें भाग लूँगा, काफ़ी मज़ा आता है भाग लेने में। भाग लेने का मज़ा ही कुछ अलग है और वो बटन दबाने का मज़ा कुछ अलग होता है इसमें। तो काफ़ी जब बीप का आवाज़ आता है हमें तो काफ़ी अच्छा बात है। तो लोकसभा जनरल इलेक्शन 2024 में आप लोग जरूर शामिल होइएगा, 13 मई 2024 में होने वाला है। यही आपको गुंबज दिखाई देता है जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है यार, काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी है इसकी वजह से, क्योंकि ये जो है प्लास्टिक के बना हुआ है, आई एम नॉट श्योर क्या चीज़ है, मतलब लग रहा है प्लास्टिक, बट काफ़ी अच्छा बात है यार। बैठने वगैरह का भी सुविधा यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा बात है ये हमारे लिए। तो सारा फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। समाहर नाले का व्यू मैं आपको टॉप से दिखाता हूँ, टॉप व्यू, और ऊपर में क्या है समाहर नाले का ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो आइए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो बाहर से यार बड़ा सा दिखता है वो यही है, जो कि काफ़ी मतलब खूबसूरत लग रहा है। बाकी मैं आपको चारों ओर से समाहर नाले का व्यू दिखाता हूँ। पहले तो यार इस साइड में आप लोग देखिए और उस साइड में हाईवे भी आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से। चलिए चारों ओर मैं आपको दिखाता हूँ समाहर नाले का व्यू जो है किस प्रकार से दिखता है। बाकी यार जैसे मैंने आपको बताया, टॉप से यार टॉप व्यू सबसे समाहर नाले का ऊपर का है ये, जो काफ़ी प्यारा लग रहा है यार, तो काफ़ी अच्छा बात है। बाकी इस साइड से मैं आपको दिखाता हूँ समाहर नाले का व्यू। तो इस प्रकार से देखिए यार समाहर नाले का व्यू आपको देखने मिलता है, और इस साइड में अलग अलग प्रकार का मशीनें भी लगाया गया है। आई डोंट नो ये मशीन क्या है, लेकिन मशीन तो लगा हुआ है, हाँ शायद वो फायर वाला मशीन होगा, तो आई मीन वाटर वाला होगा, मेरे को कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये जो ना टंकी में जा रहा है तो उतना ज़्यादा जानकारी नहीं था, तो हो सकता है यार टंकी में जा रहा है पानी वगैरह के लिए होगा। बाकी इस साइड से आप लोग देख सकते हैं हाईवे साइड से ये समाहर नाले का व्यू काफ़ी प्यारा लग रहा है। तो और ये जो मतलब बाहर से आपको दिखता है ना वो वाइट सा, उसका उसको आप लोग देखिए, काफ़ी मतलब प्यारा लग रहा है यार। बाकी अभी तो हम लोग अपना कार्य कराने हैं, चलते हैं कार्य कराते हैं। बाकी यार पार्क का व्यू आप लोग देख सकते हैं टॉप से, पार्क का भी व्यू भी यार काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा बात है यार। तो फिलहाल अभी हम लोग जो है यहाँ से चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा सनलाइट है इसकी वजह से यार यहाँ से जल्दी जाना पड़ेगा, सो लेट्स गो फ्रॉम हियर गाइस। यार सीढ़ी से तो सभी लोग जाते हैं, हम लोग जो है लिफ्ट से जाएंगे। बाकी यहाँ पे आप लोग देखते हैं, इन केस ऑफ फायर डू नॉट यूज लिफ्ट यूज स्टेयर्स। तो फायर के कंडीशन में आपको यार स्टेयर यूज करना है, सीढ़ी यूज करना है, लिफ्ट को बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, तो बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और यहाँ पे ये लिफ्ट में जो है 8 लोग आ सकते हैं, 544 kg वेट ये सह सकता है। बाकी हम लोग चलते हैं अभी फिलहाल सेकेंड फ्लोर पे, क्योंकि थर्ड फ्लोर में हम लोग देख लिए कहीं पे नहीं वो विभाग मिला जिस विभाग को खोज रहे थे हम लोग। थर्ड और सेकेंड फ्लोर पे हम लोग चारों ओर घूम घूम के देख लिए, कहीं पे वो विभाग नहीं मिला जिस विभाग में हम लोग को कार्य कराना है। लेकिन कहीं मैं बताऊँ आपको, इन्फॉर्मेशन तो एक से एक आपको मिलता है। बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लोक सभा आम निर्वाचन 2024 का मतदान का तिथि 13 मई है, आपको पता होगा। लेकिन उससे पहले वोट करने से पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि KYC ऐप में जाके और आपको एक बार झलक देखना है कि आप लोग जो है किसको जो है वोट वगैरह देना चाहते हैं। KYC का बेसिकली मतलब है कि यार नो योर कैंडिडेट्स, तो KYC एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और अपने कैंडिडेट्स के बारे में जानिए, उसके बाद ही आप लोग जो है वोट देने चाहिए। तो ये लोकसभा चुनाव में सेल्फी पॉइंट का यहाँ पे वो किया गया है, तो राहुल जी का भी मैं सेल्फी ले रहा हूँ, सेल्फी नहीं बेसिकली इसको हम फोटोग्राफी बोलेंगे, क्योंकि सेल्फी तो राहुल जी खुद लेंगे, तो इनका मैं सेल्फी ले दिया हूँ। बाकी अभी चलते हैं यहाँ से हम लोग जो है ना, ये कौन फ्लोर था जी, ये अब चलते हैं लास्ट फ्लोर पे, आई मीन ग्राउंड फ्लोर। तो ग्राउंड फ्लोर में देखते हैं यार, ग्राउंड फ्लोर में हमें वो सुविधा मिलता है कि नहीं, जो सुविधा के लिए हम लोग चाह रहे हैं कि वो सुविधा मिले हम लोग को। तो गाइस चारों मतलब सभी फ्लोर पर देखने के बाद फाइनली जो है हम लोग वो विभाग खोज लिए, कौन विभाग जी, परिवहन विभाग खोज लिए, जो कि ग्राउंड फ्लोर पर ही है। अगर आपको कभी काम मतलब लगेगा तो आप डायरेक्टली जो है ग्राउंड फ्लोर पर आइएगा और यहीं पर आपको सुविधा मिल जाएगा परिवहन विभाग में। तो अभी हम लोग जो है वो विभाग में गए तो वो बोले कि इलेक्शन बाद आइए ना बाबू, काम हो जाएगा आपका। तो मेरे को यही उम्मीद था उनसे कि यही बात बोले, और उम्मीद हमेशा रहता है कि ऐसा बात आपको सुनने मिलेगा। वो आदमी आराम से बैठा हुआ था लेकिन फिर भी वो कार्य हमारा नहीं किया। तो इतना बड़ा समाहर नाले का कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा समाहर नाले तो आपका कार्य जल्दी से हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। वही सर्विस आपको मिलेगा और वही सर्विस मतलब मिलता रहेगा आपको हमेशा, जो हमें जो है पुराना वाला में मिलता रहता था, और वही सर्विस अभी मिला भी हमें कि चुनाव बाद आओ बाबू काम हो जाता यार। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छा अच्छा प्लांटेशन लगाया गया है, लेकिन इसका कोई महत्व अभी फ़िलहाल नहीं रहा हमारा जो है न्यूज सुनने के बाद, जो मैंने अभी सुनाया आपको। तो प्लांटेशन बिल्डिंग वगैरह तो अच्छा अच्छा बना दिया गया है, लेकिन कार्य जो है वैसे मतलब स्लो होगा आपका, जबकि अभी चुनाव आने में बहुत ज़्यादा टाइम है। तो देखते हैं यार, कभी फिर से मैं आऊँगा और देखूँगा एक बार कि हमारा कार्य होता है कि नहीं। बाकी चलते हैं बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ, उसके बाद जो है राहुल कुछ कार्य है, कॉपी वगैरह लेना है,
तो राहुल सर कॉपी लेंगे, उसके बाद जो हम लोग चलेंगे घर पे। तो फिलहाल जो चलते हैं बाहर। तो देखिए यार नज़ारा वैसे मैं आपको क्या ही दिखाऊँ बाहर का, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा धूप है जैसे कि आप इधर देख पा रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा। उस साइड में महात्मा गांधी खड़े हैं, तो वहाँ पे जाके दिखाऊंगा उसमें मतलब क्या लिखा गया है। तो हरियाली काफ़ी सुंदर है बाहर में, और समारनारा भी काफ़ी सुंदर बनाया गया है, लेकिन इसका महत्व उतना ही है जितना मतलब पुराना लगा था। बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फिलहाल जो चुनाव पर्व चल रहा है लोकसभा इलेक्शन 2024, इसमें भाग लेना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। काफ़ी ज़्यादा जो है पोस्टर वगैरह अंदर लगाया गया ताकि एक भी आदमी जो है ना बचे इसमें शामिल होने से, तो शामिल आपको ज़रूर होना है। खैर मैं भी शामिल होऊंगा, और जिस दिन शामिल होऊंगा उस दिन भी मैं आपको बताऊंगा, काफ़ी मज़ा आएगा। चलिए अभी फिलहाल जो है मैं बाहर का आपको जो है नज़ारा दिखाता हूँ। बाकी गेट आप लोग देख सकते हैं, गेट व्यू काफ़ी सुंदर यहाँ पे गेट है। बाकी इस साइड में मैं आता हूँ और आपको नज़ारा दिखाता हूँ। इस साइड चलते हैं, मिडिल में देखते हैं गांधी जी की आखिर वहाँ पे हैं, क्या लिखा गया है, क्या अच्छा अच्छा बात लिखा गया है गांधी जी के द्वारा, आई मीन लोगों के द्वारा मतलब स्टाइलिंग किया गया है काफ़ी प्यारा। तो देख सकते हैं यार काफ़ी अच्छी प्रकार से वो हरियाली छाया हुआ है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा बात है। झंडा वगैरह जो जनतोलन करने के लिए भी ये लगा दिया गया है, आई एम नॉट श्योर, बट जनतोलन के लिए स्पेशल होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हे राम लिखा गया है, जो कि बेसिकली जो है गांधी जी के द्वारा बोला गया था, तो काफ़ी अच्छा बात है। और इस साइड में देखिए यार अलग अलग प्रकार का प्लांटेशन किया गया है काफ़ी खूबसूरत दिखने के लिए, चारों ओर आपको जो है हे राम देखने मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा बात है हमारे लिए यार। गांधी जी का जो है वर्ड यहाँ पे आपको देखने मिला। बाकी इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे लिखा गया है किस दिन जो है उद्घाटन वगैरह किया गया था, तो यहाँ पे तीन तारीख 3/2/24 में इसका उद्घाटन किया गया था, जैसे कि मैंने आपको पिछला ब्लॉग में भी बताया था, लेकिन एग्जैक्ट डेट पता नहीं था क्योंकि मैं भी खुद यहाँ पे नहीं था, अदरवाइज आपको ब्लॉग जरूर देखने मिलता। तो काफ़ी अच्छा बात है यार यहाँ पे। और यहाँ पे लिखा गया है महात्मा गांधी 2 अक्टूबर 1869, 30 जनवरी 1948, यहाँ पे लिखा गया है बेसिकली गांधी जी का जन्म तिथि और एक और तिथि जो होता है, तो काफ़ी अच्छा बात है यार। बस यही समाहरणालय का लुक था, बाकी काफ़ी ज़्यादा धूप है यार, क्या है मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी फ़िलहाल अभी यहाँ से हम लोग चलते हैं, और इस साइड से आप लोग जो है समाहरणालय का लुक देख सकते हैं, काफ़ी प्यारा लग रहा है समाहरणालय गढ़वा। तो फिलहाल जो है यहाँ से चलते हैं, चलिए हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। बाकी राहुल सर अभी सीट को जो है वो प्रदान करेंगे जो फ्रिज प्रदान करता है पानी को, तो काफ़ी अच्छा बात है ये हमारे दोनों हम दोनों लोग के लिए क्योंकि हमारा कार्य तो हो गया जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया आपको। तो मुझे उम्मीद है गढ़वा समाहरणालय और गढ़वा का ये सभी ऑफिसर से कि ऐसी कार्य जल्दी जल्दी होते रहे ताकि दोबारा आप यहाँ आ सकें। तो चलते हैं फिलहाल यार, अलग अलग प्रकार के यहाँ पर गाड़ी आपको नज़र आ जाएगा। बाकी हम लोग के लिए व्यवस्था यहाँ पर रखा गया है गाड़ी पार्क करने के लिए, और एक पेड़ का महत्व आप लोग समझ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा महत्व है इस पेड़ का, काफ़ी ज़्यादा आप लोग खुद खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी इस साइड में क्या है अभी फिलहाल मैं आपको दिखाऊँ, सारा चीज़ मैंने आपको दिखा दिया। बाकी यार अगला ब्लॉग में मैं आपसे मिलूँगा, स्टार्ट करते हैं ये भी मैं आपको दिखाऊंगा राहुल सर किस प्रकार से पानी पीते हैं और कितना पानी पीते हैं और कितना पानी जो है इनको पीना चाहिए, ये भी मैं इनको जो एडवाइस करूँगा। हमारा गढ़वा में इतना ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है कि इस भीड़ के बारे में आपको कुछ भी नहीं बोल सकता, शब्दों में नहीं बता सकता, इतना ज़्यादा मतलब ट्रैफिक जाम भीड़ लगता है। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही खुशी का बात तो नहीं है, लेकिन क्या है मैं आपको बताऊँ इसके बारे में, बाकी आगे चलते हैं। तो गाइस रेस्टोरेंट आप लोग बहुत आएंगे, लेकिन राधा रसोई जैसा रेस्टोरेंट में आप लोग शायद ही आए होंगे। देखिए बहुत ज़्यादा खुश है राहुल जी हमारे राधा रसोई रेस्टोरेंट में आने के बाद, और ये जो पार्टी बेसिकली जो है राहुल जी के द्वारा ही ऑफर किया गया, जो कि बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए, काफ़ी खुश। तो गाइस फाइनली जो है वेट इज़ ओवर, एंड राहुल सर के द्वारा फाइनली यहाँ पे आ चुका है, और राहुल सर स्टार्ट भी कर चुके हैं। तो गाइस ठंडा तो आप लोग बहुत पिए होंगे, लेकिन इस टाइप का ठंडा शायद ही आप लोग पिए होंगे। और राहुल जी भी यहाँ पे पीते हुए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सफल नहीं हुए, लेकिन दूसरा बार फिर से कोशिश किए हैं और इस बार सफलतापूर्वक अपने मुँह में डाल दिए हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं। हंसी मान जी स्टार्ट करिए ताकि ऑडियंस आपको देख पाए कि आप किस प्रकार से पीते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पार्टी जो है बेसिकली राहुल सर के द्वारा ऑफर किया गया था, तो बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए। और आप भी विजिट कर सकते हैं इस रेस्टोरेंट में जिसका नाम है राधा रसोई घर, नियर चिनिया रोड। ये बिल्डिंग्स आप लोग रूबरू होंगे, तो यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। तो फिलहाल चलते